की बोलना चाहोगे मैडम? चलिए आज स्टे हैप्पी और सक्सेसफुल। बाय बाय ऑल द बेस्ट। बाय हैव अ सेफ जर्नी। बाय बाय हैव अ सेफ जर्नी। बाय बाय ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आई लव यू ऑल। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपके एयरलाइंस वाले आपका जो बैग्स का वेट है वो चेक करते हैं, उसके बाद साथ में आपको वो बोर्डिंग पास देते हैं। जैसे ये वाला बोर्डिंग पास मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही इस तरह का होता है वो। नेक्स्ट स्टेप में आपकी इमिग्रेशन होती है, इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं, यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठते हैं, आपकी कुछ बातचीत होती है उनके साथ। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो वो आपसे कभी कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो और कौन सा कोर्स कर रहे हो, कभी कभी ये भी पूछते हैं। और उसके बाद आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगती है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो बैकपैक होगा 7 kg वाला, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे आपके वो बाहर निकलवा लेते हैं, ट्रे में कलेक्ट कर लेते हैं, उनकी चेकिंग होती है। और जो अदर मटेरियल आइटम्स होंगे जैसे क्लोथ्स होंगे, कुछ भी होगा बैकपैक में, उनकी भी चेकिंग होती है और फर्दर आपकी भी चेकिंग होती है। आपको एक सिक्योरिटी गेट्स में पास होना पड़ता है, देन फर्दर सिक्योरिटी गार्ड जैसे कहीं नॉर्मल जगहों पर आपकी चेकिंग होती है वैसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं। और देन फर्दर आपकी सब कुछ चेकिंग होने के बाद आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होगा, और देन आप एक हॉल में एंटर करते हो। जैसे ये वाले हॉल में आप एंटर करोगे, उसके बाद आपको बोर्डिंग गेट ढूंढना पड़ेगा जहां से आप अपनी फ्लाइट लोगे, और वहां पे गेट के बाहर ऐसे सीटिंग एरिया आपको मिलेगा जहां पे आप वेट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। जो मेरा बोर्डिंग गेट नंबर था वो था 1A, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। तो ये था टर्किश एयरलाइन प्लेन का छोटा सा टॉयलेट, इसमें छोटा सा एक सिंक था, साथ में एक टॉयलेट था और उसके ऊपर मिरर लगा हुआ था जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन एयरलाइंस ने हमें मिनी बैग दिया था जिसमें ईयरप्लग्स थे, और दूसरा हमारे पास था स्लीपिंग मास्क, और साथ में उन्होंने हेडफोन्स भी दिए थे। और नेक्स्ट आइटम थी हमारे पास सॉक्स इनकी, ये भी हमें इन्होंने दी थी। और लास्ट आइटम थी ब्लैंकेट, ये हमें सभी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की थी। तो सीट के बैक पे एक मिनी स्क्रीन होती है जिसमें आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो, गेम्स खेल सकते हो। किड्स का खुद का अलग से सेक्शन है, वहाँ पे आप टीवी भी देख सकते हो, वहाँ से कुछ भी देख सकते हो। आप अपनी फ़्लाइट का जो डेस्टिनेशन है, कितना डिस्टेंस रह चुका है, कितना टाइम लगेगा, और हम कहाँ किस लेवल पे कितनी हाइट पे दिख रहे हैं, सब कुछ आपको लाइव दिखेगा वहाँ पे, आप कुछ भी देख सकते हो। और मूवीज़ में भी आपको फर्दर काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, हॉलीवुड या कुछ भी एनिमेशन, हॉरर वगैरह, समथिंग कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे एक मूवी पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एम्स्टरडेम, यहाँ पे मैं वॉच पे क्लिक करूँगा, और साथ में यहाँ पे लैंग्वेज का भी सिलेक्शन आ सकता है, मतलब ऑप्शन आता है, और सबटाइटल्स का भी आता है। और मैंने चूज़ करके यहाँ पे मैंने प्ले में ऑप्शन में क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है। तो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन था इस्तांबुल इन टर्की फ्रॉम न्यू दिल्ली से, जो कि 4 घंटे का था। तो मैं पहुंच गया हूं टर्की एयरपोर्ट पे। यहाँ पे जो मेरा लेओवर टाइम था, मतलब जो स्टे था, वो था 4 घंटे का। यहाँ पे भी मुझे दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ रहा था, सिक्योरिटी चेकिंग मेरी हुई थी दोबारा से, फिर से वही चीज़। देन आफ्टर डैट यहाँ पे मैं एक हॉल में पहुंच चुका था, यहाँ पे फिर से मुझे बोर्डिंग गेट ढूंढना था। बोर्डिंग गेट ढूंढने के बाद मुझे फिर से वही फ़्लाइट लेनी थी अपनी टर्की से कैनेडा की, तो मैं वही देख रहा था।
तो अगर आपको बाय चांस बोर्डिंग गेट नहीं मिलता तो ये स्क्रीन्स के ऊपर लिखा होता है कि आपको कहाँ पे जाना है और कितना डिस्टेंस भी कवर करना है। और अगर आपको वहाँ पे भी नहीं पता लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, वहाँ से भी आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे। देन फिर आप थोड़ा सा आपको फिर से वेट करना पड़ेगा जितना आपको टाइम दिया होता है वहाँ पे 4 घंटे का, और वैसे भी मेरा जो 4 घंटे का टाइम था वो ऐसे ही निकल गया ऐसे ही ढूंढते डरते और प्रोसेस करने में, कंप्लीट करने में। और उसके बाद मैंने अपनी फ़्लाइट ली। तो जब आपका सिक्योरिटी चेक इन वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, जब आप हॉल में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है फ्री में, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी हो जाता है तो वो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है, आप कुछ भी फर्दर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते उससे। तो 1 घंटा ही आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरा टाइम हो चुका है प्लेन लेने का। और अंदर यहाँ पे इनके एयरपोर्ट पे काफ़ी बसेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये खुद छोड़ के आती हैं एयरपोर्ट से प्लेन की तरफ, तो मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ प्लेन की तरफ। तो फाइनली मैं पहुँच गया था कनाडा में। तो जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं तो सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक वेटिंग हॉल में बिठा के रखते हैं। जब सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको अनदर लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो सबसे पहले वो आपका LOA मांगते हैं, दैट इज़ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की कॉपी मांगते हैं। देन फर्दर आपको एक स्क्रीन्स पे लेके जाते हैं, वहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जब वो सब कुछ हो जाता है तो आपको एक स्लिप दी जाती है, तो स्लिप से आपका फर्दर आपका नाम बोला जाता है। तो नाम बोलने के बाद आपको स्टडी परमिट दिया जाता है, तो स्टडी परमिट फिर आपको फर्दर वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के बाद आपको जाने देते हैं, फिर आपके बैग्स कलेक्ट होते हैं, देन आप एग्जिट कर सकते हो एयरपोर्ट को। I'm so excited for him, for both of them. Oh. Yeah. Hello. Mila, Mila. Oh, baby, move out of the line. Guys, move this way. Come. You gotta move out of the line. तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।